सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बडगंज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कितना नुकसान हुआ और यहाँ कैसे लगी, सीधे चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अपने आई इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी बताइए, ये आग कहाँ लगी बडगंज मोहल्ले में और कितने का नुकसान हुआ? निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर में राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज है, उसके जस्ट पीछे जो मोहल्ला लगता है उसे बटगन बोलते हैं। तो बटगन मोहल्ले में पूर्व सभासद रहे स्वर्गीय सुनील त्रिवेदी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके घर में अचानक से सुबह धुआं उठने लगा। और आपको बता दें कि वहां पे उनका बेटा सो रहा था, अचानक से जब धुआं धुआं हुआ तो निकलकर वो बाहर भागा, जिसके बाद पूरे घर में धुआं ही धुआं भर गया और आग से पूरा घर जलने लगा। पूरे आग ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। और आपको बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी है उसका कारण जो है शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। और उस वक्त स्वर्गीय जो सुनील त्रिवेदी हैं, पूर्व सभासद भी रहे नगर पालिका के, उनकी पत्नी प्रसन्ना त्रिवेदी, उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी घर में मौजूद थी। बेटा सो रहा था घर में, सुबह करीब 9:30-10 बजे की घटना है और अचानक से कमरे में धुआं धुआं भरने लगा। जब घुटन सी हुई तब उसने जब वो उठा तो देखा कि पूरा कमरे में धुआं धुआं है, तो निकलकर कमरे से बाहर भागा और धीरे धीरे चल करके पूरे घर में धुआं सा फैल गया। आग की लपटें निकलने लगी, तेज तेज आग जलने लगी, जिसके बाद आनन फानन में शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने भी तत्परता दिखाते हुए मौके पर करीब आधे घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। और आपको बता दें कि करीब 2 दमकल की गाड़ियां थी और करीब 10 से 12 दमकल कर्मी थे और आग बुझाने का काम किया है। करीब आधे से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। जैसा कि नुकसान की जानकारी आपको बता दें निशांत, तो हमारी जो उनके एक रिश्तेदार हैं अंकित त्रिवेदी, उनके भतीजे हैं प्रसन्ना त्रिवेदी के, उनसे बात हुई है, इनके सगे भतीजे हैं ये, तो उन्होंने बताया है कि घर में टीवी, फ्रिज, सोफा, लैपटॉप, मोबाइल सहित खाद्य सामग्री सहित पूरा सामान लगभग जलकर राख हो गया है। करीब 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। केवल बता रहे थे कि एक कमरा पीछे का है, बस वही, वहां तक आग नहीं पहुंच पाई थी। अगर 5 से 7 मिनट अगर और लेट होता तो पीछे के कमरे में भी जो सामग्री रखी थी और कमरा था वो भी आग के हवाले हो जाती, लेकिन पीछे का कमरा छोड़ के लगभग घर की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई है। खाद्य सामग्री घर के जलकर राख हो गई है और जितना भी सामान था राख हो गई। आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से धुआं फैला हुआ है। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आधे से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। निशान बिल्कुल प्रियांशु जी बताएं, कितनी गाड़ियां लमसम आग बुझाने का प्रयास किया और कौन कौन अधिकारी वहां पे पहुंचा था? निशांत, एक हम पहले आपको एक अहम जानकारी ये दे दें कि ऊपर जिस घर में आग लगी थी वो लोग ऊपर रहते थे, वो मकान मालिक है और नीचे उसी के जस्ट नीचे एक प्राइवेट अस्पताल संचालित है, बालाजी हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाता या दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचते तो आग नीचे हॉस्पिटल में भी पकड़ लेती और हॉस्पिटल में चूंकि मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं और भर्ती भी होते हैं तो वहां पे मरीज भी थे, तो अगर आग नीचे पहुंच जाती और हॉस्पिटल में भी आग फैलती तो कहीं ना कहीं जानमाल को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि मरीज इलाज करा रहे थे, मरीज भर्ती भी थे। लेकिन शुक्र है भगवान का कि आग नीचे नहीं पहुंची, केवल ऊपर पोर्शन तक ही रही, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी जरूर मची रही। और जैसा कि जानकारी अभी तक मिली है कि घर में जो लोग थे उनमें कोई हताहत नहीं हुआ, उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है। और गाड़ियों की बात करें निशान, तो 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, करीब 10 से 12 दमकल कर्मी भी पहुंचे थे, जिसमें फायर ब्रिगेड के अग्निशमन अधिकारी राम बाबू, लीडिंग फायरमैन सुनील राय, चालक संजय कुमार, राहुल सिंह राणा, फायरमैन आलोक कुमार, सचिन कुमार, शिवम कुमार, सतीश कुमार और विनोद कुमार, इतने दमकल कर्मी थे। आधे से 1.25 घंटा उन्हें लगा आग बुझाने में, हालांकि आग पर काबू पाया जा सका, अब स्थिति सामान्य है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी घटना होते होते बच गई, क्योंकि अगर आग हॉस्पिटल में पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं जानमाल का भी बड़ा खतरा हो सकता था। निशान, प्रियांशु जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि ऊपर मकान था और नीचे हॉस्पिटल था, तो क्या अस्पताल में अग्निशमन के उपकरण नहीं लगे थे क्या?
निशांत, अब इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि जैसा कि जानकारी मिली कि अस्पताल में तो अग्निशमन यंत्र लगे थे, लेकिन जिस तरह आग लगी थी, देखते ही देखते पूरे घर को आग ने अपने आगोश में ले लिया था, तो अग्निशमन यंत्र से आग बुझाना संभव नहीं था, इसीलिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ना पहुंचती तो अग्निशमन यंत्र की क्षमता एक या एक आध थोड़ी आग को बुझाने के लिए हो सकती है निशांत, लेकिन अगर पूरा घर जल रहा है या आग के हवाले है तो अग्निशमन यंत्र भी शायद कारगर साबित नहीं हो सकता था। बिल्कुल प्रियांशु तिवारी का आपने एक बड़ा हादसा टला है, जिस तरह से जो आग लगी और आग से लगने से अफरा तफरी का माहौल था, नीचे अस्पताल था, तो कहीं अस्पताल में मरीज वगैरह भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो वो हादसा एक टल गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये आग लगी है मोहल्ला बटगंज में, तो आई इंडिया की अग्निशमन अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बताया कि आग लगने से जो है, आग लगने का जो कारण बताया जाता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल आग से जो अभी तक जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रियांशु मिश्रा ने जानकारी दी। तो तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।